याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। साधु का बड़ा सुंदर सा जवाब था, वह जब बिच्छू होकर अपना धर्म अपना कर्म नहीं भूल सकता, अपना स्वभाव नहीं भूल सकता, तो हम तो साधु हैं। हम परावर्तन करें। जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे, स्कूल के दिनों में हमने एक कहानी पढ़ रखी थी। एक साधु हैं जो एक तालाब में स्नान करने जा रहे हैं, और जब तालाब में स्नान करने जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि उसी तालाब में एक बिच्छू गिरा है, और बिच्छू डूब रहा था। साधु ने हाथ लगाया और बिच्छू को बचाने की कोशिश की, बिच्छू उन्हें डंक मार दिया। इसके बाद उनके हाथ कांपने लगे और बिच्छू तालाब में गिर गया। साधु फिर से बिच्छू को उठाते हैं और फिर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया बार बार चलता है। कई बार साधु को बिच्छू डंक मारता है और साधु उसे बचाने की कोशिश करते हैं, और अंत में साधु उस बिच्छू को बचा लेते हैं। यह पूरा दृश्य वहाँ पर खड़ी एक महिला जो स्नान करने के लिए आई थी वह देख रही थी। उसने साधु से पूछा कि यह बिच्छू जो बार बार आपको डंक मार रहा था, आप उसे क्यों बचा रहे थे? साधु का बड़ा सुंदर सा जवाब था कि वह जब बिच्छू होकर अपना धर्म अपना कर्म नहीं भूल सकता, अपना स्वभाव नहीं भूल सकता, तो हम तो साधु हैं। हमारा स्वभाव है दया दिखाना, किसी की जान बचाना। यह तब के साधु थे, अब के साधु बदल गए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बक्सर में सनातन संस्कृति समागम चल रहा है, जिसमें कई दिन कार्यक्रम होने हैं, यज्ञ होना है, और देश के कई बड़े बड़े नेता और देश के बड़े बड़े संत बक्सर में जुटे हुए हैं। लेकिन संतों की जो बाड़ी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। वो ठीक वैसे ही बोल रहे हैं जैसे कोई भाजपा का नेता अपने एजेंडा को लेकर के बात कहता है। क्योंकि समागम में पहुँचे श्री राम भद्राचार्य जी महाराज किस तरीके से और क्या क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। वो कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। हिंदी राष्ट्रभाषा हो, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ हो, और पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए। वह यही नहीं रुकते हैं, वह कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कल्याण हो, हम चाहते हैं कि हिंदुओं का कल्याण हो, तो कम से कम 80% तक हिंदुओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आज़ादी के पहले 75% हिंदू थे, जो लगातार घट रहे हैं, तो हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के हम सनातन धर्म को लागू कर पाएंगे। मेरा पक्ष है संतो, और लोग परिवर्तन कर रहे हैं, हम परावर्तन करें। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना, और परावर्तन का अर्थ होता है अपने घर लौटाना। जितने लोगों का परिवर्तन हुआ है, सबको हम परावर्तित करें, परावर्तन करें, अपने घर लौटाएं, इससे हमारी भलाई होगी। और मैं मानता हूं कि भारतीय समस्याओं का तब तक समाधान ठीक ठीक नहीं होगा जब तक भारत में 80% हिंदू नहीं हो जाता। धर्म को बढ़ाना बहुत बढ़िया बात है, और हर साधु संत को चाहिए कि अपने धर्म की रक्षा करे और धर्म का प्रचार प्रसार करे। लेकिन साधु संत किस तरीके से किसी पार्टी के किसी नेता के साथ खड़े हो जाते हैं, आप इस वीडियो को सुनकर समझ सकते हैं। क्योंकि आगे वीडियो में एक संत हैं जिनका कहना है कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो हमको पता चल गया था कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तब हम लोगों को पता चल गया था अब कुछ विशेष होने वाला है। एक निर्णय राम जन्मभूमि का आया, दूसरे बार प्रधानमंत्री बने, काशी विश्वनाथ का निर्णय आया, अब तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो भगवान ब्रज के मथुरा की चंद जन्मभूमि का निर्णय आएगा। 370 का जिक्र किया गया, पाकिस्तान का जिक्र किया गया, चाइना का जिक्र किया गया, ज्ञानवापी का जिक्र किया गया, युद्ध और उन्माद का जिक्र किया गया। एक संत ने यह भी कहा कि अश्वनी कुमार चौबे जो बक्सर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री हैं, उनका और राम के अंदर समानता है, क्योंकि राम भी अयोध्या में पैदा हुए थे और उनका कर्म भूमि बक्सर है, और अश्वनी कुमार चौबे भागलपुर में पैदा हुए थे और उनका कर्म भूमि बक्सर है। अयोध्या भी और हमारे मंत्री जी का जन्मभूमि यहाँ भी हो भागलपुर था, लेकिन कर्म भूमि बक्सर है।
कुल मिलाकर साधु संत बीजेपी के एजेंडे को लेकर के बात कर रहे थे, उन नेताओं की बात कर रहे थे जिनके इशारे पे पहुंचे थे, जिनके बुलावे पे पहुंचे थे। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो साधुओं की बाड़ी है वो ईश्वर की बाड़ी है, उसे कौन रोक सकता है, उसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अब याचना नहीं होगा, रण होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया, पीछे से तालियां बज रही थी, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, समझने वाले समझ नहीं पा रहे थे कि ये साधुओं का समागम है या नेताओं का समागम है। आपकी सेवा में रत हो, कुछ भूल भी होती होगी, कुछ दुख भी आपको होता होगा, कुछ कष्ट भी होता होगा, उसके लिए मैं सदैव हाथ जोड़ करके आपका सेवक क्षमा प्रार्थी हूँ। सर संचालक श्री मोहन भागवत जाकर मोहन भागवत जी महाराज को मैंने अपना किया क्योंकि हमको संचालक की व्यवस्था भी करनी थी, तो अध्यक्ष भी है, विशिष्ट अतिथि भी है, मुख्य अतिथि भी है और इस आयोजन के ठीक है हमारे चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी मंत्री जी अपने आप में व्यवस्था आयोजन किए हैं, आयोजक है, लेकिन जिनकी अपने आप में बिना भर का कितना भी बड़ा हो जाए अच्छा नहीं लगता है, तो जो अपने आप पे से अपने वैदुष द्वारा, अपने पांडित द्वारा और अपनी नितंभा प्रज्ञ द्वारा, नितंभा बुद्धि द्वारा जो पूरे विश्व में अपने आप में मानव मात्र को एक पटल पर एक मार्ग पर चलने का जो संदेश देते हैं, वह बक्सर की पावन भूमि पर चल करके आए हुए हैं।